डे बाई डे काफ़ी ज़्यादा नई न्यूज़ एंड नए चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं बाय आईडीपी और नेक्स्ट वन देख सकते हो रिज़ल्ट आर स्टिल बीइंग कन्फॉर्म सम रिजल्ट्स मे बी सेट बीइंग बींग प्लीज़ ट्राई अगेन मीन्स कि स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट हैं वो बैन हो रहे हैं स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट है कोई स्टूडेंट टू ईयर्स के लिए बैन हो रहा है कोई स्टूडेंट थ्री के लिए बैन हो रहा है और कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ ही नहीं रहे बट ना तो आई की तरफ़ से इनको को, कोई मेल भी जा रही है ना ही आई की तरफ़ से इनको कोई कॉल वगैरह जा रहा है सेम ये जो प्रोसेस है डे बाय डे आगे बढ़ता जा रहा है बट एक्चुअल में सबसे बड़ी जो इशू देखने को मिल रहा है आई की तरफ से वो स्टूडेंट्स को देखने को मिलता है बट स्टूडेंट्स भी इसमें कम नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकिंग यही लेकर चलते हैं कि जो मेरी लेफ्ट साइड बैठा होगा जो मेरी राइट right साइड बैठा होगा जहाँ फिर जो मेरे फ्रंट पर बैठा होगा मैं उससे या तो रीडिंग के बारे में पूछ लूँगा जहाँ फिर मैं स्पीकिंग के बारे में या लिसनिंग के बारे में या राइटिंग के बारे में पूछ लूँगा देन वहाँ पर ऐसा नहीं होता आई हमें कुछ नहीं कहता बिकॉज़ ये एक आई एक प्राइवेट संस्था है प्राइवेट संस्था हमें कुछ भी नहीं कहती बट जो वो ऑल ओवर लाइन होती है वन टू ट्वेंटी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं जब वन टू टेन स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उन सब स्टूडेंट्स का वो कैंडिडेट नंबर नोट कर लेते हैं देन उनका रिज़ल्ट बैन कर, कर दिया जाता है या फिर उनको टू ईयर्स के लिए बैन कर दिया जाता है अब हमें ये फील होता है घर में आकर यार आई वालों को कौन सा पता चला है वहाँ के वलंटियर को कौन सा पता चला है ये थिंकिंग लेकर हम अपने घर वापस आ जाते हैं बट आफ्टर थर्टीन डेज़ क्या होता है हमें रिज़ल्ट देखने को मिलता है कि आपके बैन हो चुका है कितने ईयर के लिए टू ईयर्स के लिए उसके बाद हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी इस चीज़ के बारे में सोचते हैं एज़ वेल एज़ हमारा जो फ्यूचर है टोटली totally स्पोल हो जाता है तो फ्यूचर स्पोल ना हो दैट्स वाई हमारी फ़र्ज बनता है हम आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन राइट गाइडनेंस को लेकर आते हैं बट ये चीज़ें आई नो दैट हम यंग एज में हैं तो हमें समझ में नहीं आती हमें बस यही लगता है कि ये आई वाला इंडिया बैठा है बकवास कर रहा है ये व्यूज़ लेने के लिए करता होगा ऐसा वैसा कुछ नहीं है बट एवरी डे मैं ये फोर्थ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसी मंथ में वैसे हम एक वीडियो अपलोड करते हैं फोर्थ वीडियो अपलोड हो रही है ड्यू टू रीजन दैट कि कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रही हैं अब इसको मानना ना मानना आपके ऊपर है बट एक चीज़ ये एनालाइज़ करके देख लीजिए कि हमारे पेरेंट्स बहुत मुश्किल के साथ हमारी हेल्प करते हैं प्रोडिक्शन चाहिए किसी को प्रोडिक्शन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो टोटली आपने स्क्रीन के ऊपर देखा फोर एग्ज़ाम हो चुके हैं दिसंबर मंथ में तीन दिसंबर आठ दिसंबर दस दिसंबर और सेवनटीन दिसंबर पहले तीन एग्जाम में रीडिंग के टू पैसेज रीडिंग का वन पैसेज फ्रॉम अवर प्रडिक्शन मटीरियल एज वेल एज राइटिंग टास्क वन राइटिंग टास्क टू टू जो दिया गया हंड्रेड परसेंट वही चीज़ हमें एग्ज़ाम में देखने को मिली सेवनटीन दिसंबर को भी राइटिंग टास्क वन राइटिंग टास्क टू कोई भी लोकेशन हो इंडिया में हो चाहे आउट ऑफ इंडिया हो मैं प्रूफ आपको दिखा चुका हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर हंड्रेड परसेंट वही देखने को मिला अगर इन द फ्यूचर आपका एग्ज़ाम है अच्छा स्कोर चाहते हो घर पर बैठे आइलस कर रहे हो तो विश्वास करो यू कैन क्रैक फर्स्ट शर्त एक कि चैनल को सब्सक्राइब करो इंस्टाग्राम को फॉलो करो टेलीग्राम पे ज्वाइन करो एंड ड्रॉप करो मैसेज ऑन व्हाट्सएप फॉर प्रडिक्शन मटेरियल। थैंक यू सो मच एंड आई प्रे टू गॉड कि आपके रिजल्ट अच्छा हो आपकी सोच अच्छी बने नेगेटिव सोच के साथ आप लाइफ में ना आगे बढ़ पाएंगे ना कभी बढ़ सकते हैं पॉजिटिविटी कैन मेक बेटर लाइफ सो यू कैन डू इट एंड आई प्रे टू गोड अगेन कि आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आए आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हो